स्वागत है आप सभी का आज के इस वीडियो में। मैं आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। देखिए, आप अपने घर के स्ट्रक्चर को बनाने में लाखों या फिर करोड़ों रुपए ही क्यों ना लगा दें, बट जब तक आप उसमें सही टाइल्स के कलर कॉम्बिनेशन का और सही पेंट के कलर कॉम्बिनेशन का यूज नहीं करेंगे, अब वो बोलते हैं ना, आपके घर में कभी भी लग्जरी और मॉडर्न जैसी फील नहीं आएगी। तो आज के इस वीडियो में हम आपको कुछ ऐसी टिप्स प्रोवाइड करेंगे जो आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाली है कि आपको अपने घर के एलिवेशन में कैसे टाइल्स का सिलेक्शन करना चाहिए। हम एक शोरूम पे विजिट करेंगे और वहाँ पे डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स के बारे में आपको बताएंगे और फिर आपको बताएंगे कौन सी साइज की और कौन सी कंपनी की टाइल्स का आपको यूज़ करना चाहिए और कौन से टेक्सचर की टाइल्स आज के टाइम में सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग है, जिसका अगर आप अपने घर में यूज़ करेंगे तो आपके घर में चार चांद लग जाएंगे और लास्ट में कौन सी टाइल्स आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करनी चाहिए अपनी एलिवेशन में। तो मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। वीडियो को लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें। देखिए, टाइल्स सेलेक्ट करने से पहले सबसे पहले आपके पास एक ऐसा 3D बना होना चाहिए अपने घर का, जिससे टाइल्स सेलेक्ट करना और भी ज़्यादा इजी हो जाता है। अब आपको स्क्रीन पर दो इमेज दिखेगी। पहले इमेज में आपने अपने YouTube क्लाइंट के लिए, जो हमारे YouTube के क्लाइंट हैं, उसके लिए एक 3D डिज़ाइन रेडी करा है, उन सर के लिए 3D डिज़ाइन रेडी करा है। सेकेंड इमेज में इस 3D डिज़ाइन का जो साइट पर वर्क चल रहा है उसकी इमेज आपको दिख जाएगी। अब देखिए, इस 3D एलिवेशन डिज़ाइन में हमने बेसिकली 3 से 4 कलर की टाइल्स का यूज़ करा है। पहला डार्क ग्रे कलर की टाइल्स, दूसरा क्रीम कलर की मार्बल टेक्सचर टाइल्स और थर्ड आता है आपका नेचुरल स्टोन क्लैडिंग टाइल्स और फोर्थ आपका वुडन टाइल्स। अब देखिए, जितने भी टाइल्स के मैंने नाम लिए हैं, ये टाइल्स आज के टाइम में सबसे ज्यादा ट्रेंड में है, तो इन टाइल्स का अपने घर के एलिवेशन में यूज करना बिल्कुल भी ना भूलें अगर आप मॉडर्न स्टाइल में अपने घर के एलिवेशन बनाना चाह रहे हैं तो। अब देखिए, टाइल्स सेलेक्ट कैसे करनी है आपको अपने घर के लिए। सबसे पहले आपको किसी भी एक स्टोर पर जाना है, वहां पर जैसे आपको कोई भी डार्क कलर की टाइल्स पसंद करनी है तो आपको क्या करना है, 2-3 कलर की डार्क टाइल्स जो आपको अच्छी लग रही है उसको आपको अलग से बाहर निकलवा लेना है, उसके सैंपल बाहर निकलवा के रख लेने हैं एक फ्लोर के ऊपर। और सेकंड, आपको एक लाइट कलर की टाइल्स का यूज करना है तो आपको 2-3 सैंपल लाइट कलर के भी बाहर निकलवा के रख लेने हैं। अब आपको क्या करना है, डार्क कलर की जो टाइल्स आपने निकलवाई है उसके साथ आपको लाइट कलर के टाइल्स के साथ मैच करना है। तो देखिए, जो हमने इस एलिवेशन डिज़ाइन के लिए टाइल्स सेलेक्ट करी थी वो कैसे करी थी, जो हमारे यूट्यूब क्लाइंट हैं उसके साथ हम एक स्टोर पे विजिट करा था और हमें बेसिकली 3 टाइल्स पसंद आई थी डार्क कलर में से, बस उसमें सबसे ज़्यादा हमें ये टाइल्स पसंद आई थी डार्क कलर की। तो इस टाइल के साथ हमने लाइट कलर की टाइल साथ में रखी है और फिर देखा है क्या यह मैच कर रही है या फिर नहीं कर रही है। तो इस तरह से आपको टाइल्स को मैच करना है। अब ऐसे ही इस प्रोजेक्ट के लिए हमने इंटीरियर के लिए टाइल्स पसंद करी थी। अब ये स्क्रीन पर वीडियो देख सकते हैं, इनके जो स्टेयर्स वाला पार्ट था वो डबल हाइट में क्रिएट करा गया था। अब जिसका 3D हमने इंटीरियर रेडी करा था उसमें क्या था, स्टेयर्स को हमने 2 पार्ट में डिवाइड करा था। पहले पार्ट में हमने सोचा था स्टोन कलरिंग टाइल्स का यूज करेंगे और सेकंड पार्ट में किसी और टाइल्स का यूज करेंगे। तो जब हम शोरूम गए तो हमें एक स्टोन कलरिंग टाइल्स देखने में बहुत ज्यादा अच्छी लगी, तो हमने क्या करा, उस स्टोन कलरिंग टाइल्स को फ्लोर के ऊपर फाइनलाइज कर लिया। फिर हमने 2 वुडन टाइल्स के सैंपल रखे, एक राइट हैंड साइड और दूसरा लेफ्ट हैंड साइड। फिर हमने देखा स्टोन कलरिंग टाइल्स के साथ कौन सी ज्यादा अच्छी लग रही है, हमें ये ज्यादा अच्छी लगी तो हमने फिर ये सिलेक्ट करके रख लिए। सो इस तरह से आपको डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स को आपस में रखना है, मैच करना है, फिर देखना है कौन सी टाइल्स किसके साथ ज्यादा अच्छी लग रही है। अब देखिए, आप लोग क्या गलती करते हैं ना, जैसे मैंने एक कलर कॉम्बिनेशन आपको बता दिया टाइल्स का, या फिर आप पड़ोस में किसी एक घर को देख लेंगे, वहाँ पे कोई भी आपको एक कलर कॉम्बिनेशन पसंद आ गया, फिर आप कोशिश करते हैं कि उसको एग्जैक्ट कॉपी करने की अपने घर में। देखिए, इतनी बड़ी गलती बिल्कुल भी ना करें, कुछ पैसे बचाने के चक्कर में अपना आप लाखों का नुकसान कर बैठेंगे, क्योंकि यार घर सिर्फ एक ही बार बनता है, तो थोड़ा उसको सोच समझ के बनवाइए, किसी एक प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लीजिए। क्योंकि अगर आप ऐसा करेंगे ना, किसी और का कलर कॉम्बिनेशन अपने घर में कॉपी करने की कोशिश करेंगे तो देखिए क्या होगा, वो जो स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, किसी और आर्किटेक्ट ने किसी और डिज़ाइन करा है उसको, और आपका जो घर का स्ट्रक्चर है वो बिल्कुल ही ज़्यादा डिफरेंट है। तो एक प्रोफेशनल की हेल्प जरूर लें जब भी आप घर का एलिवेशन डिजाइन कर रहे हो, इंटीरियर डिजाइन कर रहे हो, या फिर कलर कॉम्बिनेशन ही क्यों ना कर रहे हो। अब देखिए, जो हम सर्विस प्रोवाइड करते हैं अपने यूट्यूब क्लाइंट्स के लिए, उसमें क्या करते हैं, पूरी एलिवेशन तो आपको बना के देते ही हैं, उसके साथ जो भी कलर कोड उसमें यूज होगा, पेंट यूज होगा, वो आपको गाइड करेंगे कैसे कराना है, कैसे स्ट्रक्चर आपका बनेगा, पूरी की पूरी गाइडेंस हमारी रहेगी। और फिर टाइल सिलेक्शन की बात आती है तो हम क्या करते हैं कि क्लाइंट से डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स के इमेजेस मंगाते हैं जब वो किसी भी स्टोर या फिर शोरूम विजिट करते हैं, तो हम उनको सजेस्ट करते हैं कि यहाँ पे आप ये टाइल्स यूज
करें जो देखने में और ज्यादा अच्छी लगेगी। मैं आपको क्लाइंट्स की चैट्स भी दिखा दूंगा जिससे आपको और अच्छे से पता लग जाएगा। तो अगर आप अपने घर को बहुत ही मॉडर्न स्टाइल में डिजाइन कराना चाहते हैं तो हमसे भी कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। मैं हूं आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव। गूगल पर हमारा आप रेटिंग भी चेक कर सकते हैं 4.9, वहां पे आपको बहुत सारे रिव्यूज भी मिल जाएंगे हमारे क्लाइंट्स के। तो स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा, आप इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए इस वीडियो को आगे शुरू करते हैं। नेक्स्ट टिप आती है, जब भी आप टाइल्स सेलेक्ट कर रहे हो तो टाइल्स ऐसे सेलेक्ट करें जब आप दो टाइल्स को आपस में ज्वाइन कर रहे हो तो उसमें बीच का जो गैप है वो बिल्कुल भी नहीं दिखना चाहिए। टाइल्स बिल्कुल ही ऐसी लगनी चाहिए कि आपने एक एंड से दूसरे एंड तक बिल्कुल ही एक ही टाइल्स का यूज करा है। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं, पहले आप एक स्टोन क्लैडिंग टाइल्स का यूज कर सकते हैं क्योंकि इसका टेक्सचर ही ऐसा होता है जब आप इसको आपस में ज्वाइन करते हैं तो इसमें इसकी जो ज्वाइनिंग है बिल्कुल भी नजर नहीं आती, क्योंकि टाइल्स में जितनी ज्यादा ज्वाइनिंग नजर आती है वो देखने में उतनी ही ज्यादा बेकार लगती है। सेकंड, आप क्या कर सकते हैं, आजकल मार्केट में कुछ ऐसी टाइल्स भी आ रही है, मैं आपको वीडियो में दिखा दूंगा, जिसको अगर आप आपस में रखेंगे, मिला के रखेंगे तो उसमें आपको ज्वाइनिंग बिल्कुल भी पता नहीं लगेगी। थर्ड, आप क्या कर सकते हैं, ग्रूव का यूज कर सकते हैं। देखिए, सपोज करें आप मार्केट से 1 फीट बाय 2 फीट की टाइल्स परचेज करी है और आपकी जो बालकनी है जहां पे आपने बालकनी का ब्रिक वर्क करा है उसकी जो हाइट आपने 2 फीट 6 इंच रखी है, तो अगर आप 2 फीट की टाइल्स पूरी की पूरी लगा भी देंगे जब भी आपकी 6 इंच जो जगह है वो ज्यादा बचेगी। तो अगर आप 6 इंच का पट्टा अलग से लगाएंगे टाइल्स का काट के तो वो देखने में बहुत ही ज्यादा बेकार और भद्दा लगेगा। तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, 1.25 फीट की 1 फीट 3 इंच की 1 फीट 3 इंच की दो टाइल्स की कटिंग कर दें और उसके बीच में आप एक ग्रूव बना दें जिसमें आप व्हाइट पेंट का भी यूज कर सकते हैं और व्हाइट कलर की टाइल्स का भी यूज कर सकते हैं। तो ग्रूव का यूज करके आप जो अपने टाइल्स की ज्वाइनिंग है उसको भी कम दिखा सकते हैं। अब नेक्स्ट पॉइंट आता है कि कंपनी के टाइल्स यूज करें, लोकल टाइल्स यूज करें और सबसे बड़ी बात, टाइल्स का साइज क्या रखें। देखिए, मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप एलिवेशन में टाइल्स का यूज कर रहे हैं तो आप एक कंपनी की टाइल्स यूज कर सकते हैं जिसमें आपको वारंटी भी देखने को मिल जाएगी। बट अगर आप लोकल टाइल्स की तरफ भी जा रहे हैं तो बस आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वो टाइल्स है विट्रीफाइड टाइल्स हो या फिर डबल चार्ज टाइल हो, सिंगल चार्ज टाइल का आपको बिल्कुल भी यूज नहीं करना है। सेकेंड, टाइल्स का साइज क्या रखें। देखिए, टाइल्स का जो साइज है वो आपकी एलिवेशन की हाइट के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपकी हाइट कम है एलिवेशन की तो आप वहां पे बड़ी टाइल्स का भी यूज कर सकते हैं, बट जैसे जैसे आप हाइट पे टाइल्स लगाएंगे तो वहां पे आपको छोटी टाइल्स का यूज करना है क्योंकि टाइल्स गिरने के चांसेस थोड़े बढ़ जाते हैं। बट टाइल्स ना जल्दी से गिरती नहीं है, वो गिरती किस लिए है क्योंकि आप उसमें एडहेसिव गलत यूज करते हैं, डिफरेंट एडहेसिव आते हैं वो आप सही से यूज नहीं करते जिससे टाइल्स गिरने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अब नेक्स्ट जानते हैं ऐसी कौन कौन सी टाइल्स हैं जिसको अगर आप यूज करेंगे अपने घर में तो आपके घर में 4 चांद लग जाएंगे। सबसे पहले टाइल्स आती है स्टोन क्लैडिंग टाइल्स। देखिए, स्टोन क्लैडिंग टाइल्स देखने में बहुत ही ज्यादा खूबसूरत लगती है, बट ये डिफरेंट डिफरेंट क्वालिटी की भी आती है मार्केट में, कुछ लो क्वालिटी की आती है कुछ हाई क्वालिटी की आती है। जो लो क्वालिटी की टाइल्स होती है वो आपकी नेचुरल स्टोन से नहीं बनाई जाती है, जो हाई क्वालिटी की टाइल्स होती है वो आपकी नेचुरल स्टोन से बनाई जाती है, उसकी फिनिशिंग आपको अलग से ही दिख जाएगी। चिंता मत करें, अगर आपको स्टोन क्लैडिंग टाइल्स का यूज करना है अपने घर में तो मैं आपको एक स्पेसिफिक वीडियो पूरी बना के दूंगा जिसमें आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ऐसे ही यूजफुल कंटेंट हम आपके लिए लाते रहेंगे, बस आपको ज्यादा कुछ नहीं करना है, बस एक लाइक का बटन दबा दें और सब्सक्राइब का बटन दबा दें, ऐसे हमें सपोर्ट करते रहें। सेकंड, आप यूज कर सकते हैं एक मार्बल टेक्सचर टाइल्स आती है, इस तरह की मार्बल टेक्सचर टाइल्स का यूज कर सकते हैं। थर्ड, आप यूज कर सकते हैं लाइट ग्रे या फिर डार्क ग्रे कलर की टाइल्स। अब देखिए, जितने भी टाइल्स मैंने आपको ये बताई है इसके साथ एक वुडन टाइल्स भी आप यूज कर सकते हैं, अभी जितने भी टाइल्स मैंने आपको बताई है अभी तक इसमें आपको हमेशा मैट फिनिश की टाइल्स ही यूज करनी है एलिवेशन में, ऐसा ना हो आप उसमें ग्लोसी या फिर शाइनी फिनिश के टाइल्स यूज कर बैठे, ऐसी गलती बिल्कुल भी ना करें, एक मैट फिनिश के टाइल्स यूज करें हमेशा अपनी एलिवेशन में। अब लास्ट टिप डिस्कस करते हैं जिसमें आपको बताएंगे कि कौन सी टाइल्स से आपको बिल्कुल ही संभल के रहना चाहिए, बिल्कुल भी यूज नहीं करना है आपको अपने घर की एलिवेशन में। तो सबसे पहली जो टाइल्स आती है वो जैसे कि मैंने बताया ग्लोसी और शाइनी फिनिश की टाइल्स से आपको थोड़ा दूर रहना चाहिए। अगर आप इसका यूज कर रहे हैं तो बिल्कुल ही मिनिमम तरह से इसका यूज करें। सेकेंड, एक जो कलरफुल टाइल्स आती है ना, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स में जो टाइल्स आती है, नेचुरल स्टोन क्लैडिंग में भी आती है आपकी और भी डिफरेंट डिफरेंट टाइल्स आती है, इससे भी आपको बच के रहना चाहिए।
थर्ड में आपको कुछ स्क्रीन पर इमेजेस दिखाता हूँ, इस तरह की टाइल्स से भी आपको बच के रहना चाहिए एलिवेशन में। सिंपल सोबर टाइल्स का यूज करें, आपके एलिवेशन देखने में बहुत ज्यादा खूबसूरत लगेगी। और आपको समझ नहीं आ रहा है कि कैसे डिजाइन करना है अपने एलिवेशन में, तो हम तो है ही आपकी हेल्प करने के लिए। मैं हूँ आर्किटेक्ट अक्षय श्रीवास्तव, स्क्रीन पर आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख जाएगा। आप अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।